जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लीनियर इक्वेशन पार्ट 8। आज भी हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं बनाने के लिए वैसे बनाइएगा। अभी भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक। पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन जब हम लिखेंगे ना आप पॉज कर दीजिएगा, अपने से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तब फिर समझिएगा क्या। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिए आप, पॉज कर लिए, ठीक, नहीं बना तब यहाँ से समझ लिए, ठीक। यदि ऐसा हुआ तो फिर उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिख लीजिए, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद लिख लीजिए और तब फिर अपने से बना के देखिए, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए। मैथ किसी के बताने से नहीं होता, याद रखना जीवन में, मैथ किसी के बताने से नहीं होता है। तुम्हारे अंदर वो चीज है, मेरा काम है उसको उभारना, समझ गया। वो लाड़ प्यार से उभरो, ठीक है, या थप्पड़ खा के उभरो, प्रेशर डाल के उभरो, जैसे उसको उभारना है। किसी के पढ़ाने से किसी का मैथ मजबूत नहीं हुआ है और ना होगा, समझ गया। मैथ तुमको अपने ही करना होगा, किसी के करने से मैथ नहीं होता है, समझ गया। हम लोग क्या है, डायरेक्शन दिखाने वाले, तुम्हारे पर प्रेशर बनाने वाले, ठीक है, अंदर जो है तुम्हारे में उसको उठाने वाले, ठीक। चल, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। लीनियर इक्वेशन पार्ट 8, किसके लिए, 7 से लेकर के 9 तक के लिए, 7, 8, 9, ठीक। क्वेश्चन लिखना है हमको, देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 180 MCQ, माने क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट। इफ अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी अन अटेम्प्ट और रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स। इफ अ कैंडिडेट स्कोर्ड 450 मार्क्स इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिए, आप पॉज कर दीजिए, आप पहले बना लीजिए, जैसा कि सब कुछ बता दिए पहले, हमको तो बनाना है, ठीक। टोटल क्वेश्चन कितना है, 180 टोटल क्वेश्चन, ठीक। आपको क्या निकालना है कि आप कितना क्वेश्चन उसमें करेक्ट किए। क्वेश्चन पहले समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझ लीजिए। टोटल 180 क्वेश्चन है, आप ही एग्जाम में बैठे, आपको 180 क्वेश्चन मिला हुआ है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप बनाए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा या तो गलत होगा या आप छोड़ दिए होइएगा। तो जो क्वेश्चन आप बनाए उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिला, ठीक है। जो क्वेश्चन आप बनाए उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिला, 4। और जो क्वेश्चन गलत हो गया या जिसको आप छोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया, नहीं तो 7 क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क आपका कट जाएगा, माने क्या, 7 मार्क्स कट जाएगा। और जो आप बनाए हैं, मान लीजिए आप कितना, 10 क्वेश्चन मान लीजिए बनाए, 4 नंबर के हिसाब से कितना नंबर मिल गया, 40, उसमें से 7 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 33, समझ गए। तो यहां आपको पहले दो भाग में बांटना होगा, टोटल क्वेश्चन कितना है 180, कि आप कितना बनाए, 180 में से आप कितना क्वेश्चन बनाए। मान लिया जाए, ये तो पता नहीं है, तो मान लिया जाए कि आप एक्स क्वेश्चन जो है वह क्या है, करेक्ट आंसर है। एक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है, करेक्ट। एक्स क्वेश्चन जो आप बनाए हुआ क्या है, करेक्ट। तो टोटल 180 क्वेश्चन है, उसमें से एक्स करेक्ट हुआ,
तो जो रेस्ट बचा, या तो वह गलत है या आप छोड़े हैं, या तो वह गलत है या आप उसको क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, तो वो कितना हुआ 180 में से x बनाए तो और रेस्ट कितना बच गया 180 माइनस एक्स, या तो रॉन्ग है या अनअटेम्प्ट है, इस पर आप अटेम्प्ट किए ही नहीं, बात खत्म। मेन बात इतना ही था। अब आ जाइए नंबर पर। एक्स क्वेश्चन जो आप बनाए उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, इच के लिए कितना 4, एक्स क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिला एक्स इंटू 4, यानी आपको 4x मार्क्स मिल गया, ठीक है। अच्छा कटना भी है तो कितना क्वेश्चन आप छोड़े या गलत हुआ 180 माइनस एक्स, इसके लिए आपका एक नंबर कटेगा, हर के लिए एक एक, यानी कितना हो गया लिखिए दो 1 × 180 - x, यानी कितना 180 - x, यह आपका कट गया। ये जो आपका कमाया हुआ था नंबर, जितना नंबर आपको आया था उसमें से ही कटेगा, समझ गए, यानी 4x - 180 - x इज इक्वल टू, तब आपको टोटल कितना नंबर मिला, कितना दिया हुआ 450, तब आपको कितना नंबर मिला 400। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा कि नहीं, इसके बाद तो मेरा काम नहीं है। 4x - 180 + x इज इक्वल टू कितना 450, 4x + x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू कितना 450 में 180 प्लस हो गया 630, नहीं हो गया x बराबर कितना 630 बाई कितना 126 क्वेश्चन आप सही बनाए, ठीक है। अब आप इसको मिला के देख लीजिए कि 180 में से टोटल 180 क्वेश्चन था, आंसर नहीं ना आपके पास, चेक करना है ना सही है या गलत, 180 क्वेश्चन था, इसमें से आप 126 क्वेश्चन बनाए, तो कितना गलत या छोड़े हुए थे, इसमें से 126 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए 10 6 4 7 2 5 54 आपका गलत था, ठीक है। 126 जो आपका सही था उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिला, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 504, नहीं इसमें से 54 क्या हो गया माइनस हो गया, कितना हो गया 450 मार्क्स आपका आया हुआ है, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया, अब आ जाइए, आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा गया, क्या है, मनीषा इन्वेस्टेड ₹12,000, मन कहीं इन्वेस्ट की, सी इन्वेस्टेड पार्ट ऑफ इट एज 10%, माने पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करती है, उसको दो भाग में बांटती है, कुछ पार्ट लिखा है ना, पार्ट ऑफ इट हैज 10%, कुछ पार्ट 10% पर दे दी एंड रेस्ट एज 12%, और जो बचा वो किस पर दे दी 12% पर दे दी, ठीक। हर एनुअल इनकम माने क्या, एक साल के बाद हर एनुअल इनकम यानी क्या, एक साल के बाद एनुअल इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं हो गया, एक साल के बाद दोनों मिला के उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 1280, तो हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट एट इच रेट, यानी यहां ये आपको निकालना है कि 10% वाला में कितना इन्वेस्ट की और 12% वाला में कितना इन्वेस्ट की। नियम फिर वही रहेगा, क्वेश्चन लिख लिए, पहले आपको क्या करना है, अपने से बनाना है, अपने से नहीं बनेगा तब फिर चलिए। टोटल रुपीज कितना था मनीषा के पास, 12,000 रुपीज मनीषा के पास है, इसको यह दो जगह इन्वेस्ट, एक जगह की 10% पर और दूसरा जगह क्या की 12% पर, एक जगह 10% पर और दूसरा जगह 12% पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है।
आवाज, कितना कितना की, यही तो निकालना है कि कितना कितना किया। तो मान लेते हैं कि 10% बराबर जो है वो कितना इन्वेस्ट की, x, 10% बराबर कितना इन्वेस्ट की, x, तो 12% बराबर कितना इन्वेस्ट करी, टोटल कितना है 12,000, उसमें से x माइनस हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 12,000 माइनस x, ये चला गया 12% पर और ये रह गया 10%। बात इतना ही है, ठीक। इंटरेस्ट 10% मेरा क्या हो गया रेट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, इसमें 12% क्या हो गया रेट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। टाइम कितना, तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि एनुअली माने एक साल टाइम कितना हो गया 1 ईयर, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर, इसके लिए टाइम कितना हो गया 1 ईयर। अब इसका इंटरेस्ट निकलेगा, इसका इंटरेस्ट निकलेगा, ये दोनों इंटरेस्ट को जो प्लस करेंगे वही मेरा कितना हो जाएगा 1280। अब समझ गए, इसका इंटरेस्ट कितना होगा पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, यानी एक्स बाय 10 इसका इंटरेस्ट हो, ठीक। इसका इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर बाय कितना 100 इसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, रहने देते हैं वैसे ही। अब ये दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 1280। जगह है हमको नीचे करना होगा, इधर कर सकते हैं क्या, यानी x बाय 10 प्लस उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, हाँ? कर दो 144000 माइनस 12x, अब बाय कितना 100 इक्वल टू कितना 1280। अब तो इसको सॉल्व कर सकता है, इतना काम तो कर लेगा कि नहीं करेगा, इसको सॉल्व कर सकता है आराम से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा, ठीक है, x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू आएगा उसको 12,000 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो चाहे देख लो इसको, टाइम है तो देखिए लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 10x प्लस 144000 माइनस कितना 12x इज इक्वल टू 1280, ठीक है। ये 00 को यहां से हटा दें, इस पर 00 डाल दें, 10x माइनस 12x कितना हो गया माइनस 2x, कट नहीं रहा है, माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 1280 माइनस 144000, ठीक है। इसमें से जो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा, नहीं, यानी ये हो जाएगा मेरा माइनस 16/000, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 8,000, नहीं हो गया, x बराबर हो गया मेरा 8,000, ठीक है। तो 10% वाला क्या हो गया 8,000, और 12,000 में से 8,000 माइनस हो गया तो 12% वाला में क्या हो गया 4,000, यानी यही दो अलग अलग जगह हुआ इन्वेस्ट। अब देखना है कि यह सही है कि नहीं, तो यह सही है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा, आपको रेट दिया, प्रिंसिपल निकल दिया, टाइम दिया, इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, इसमें भी इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, दोनों को प्लस कीजिएगा, 1280 आ रहा है सही है, नहीं आ रहा है गलत है, ठीक है। अब हम क्या करें, दो क्वेश्चन बता दिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आ गया, आई हैव रुपीज 1,000 इन 10 and 5 रुपी नोट्स, इफ द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स दैट आई हैव इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, हाउ मेनी नोट्स डू आई हैव इन इच डेनोमिनेशन, ठीक है।
यानी क्वेश्चन को पहले समझिए कि आपके पास टोटल कितना रुपया है, 1000, ठीक, टोटल कितना रुपया है 1000, उसको आपके पास रुपया जो है वह 10 रुपया वाला नोट है और क्या रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला नोट है, 10 रुपया वाला नोट है और 5 रुपया वाला नोट है, ठीक। उसमें भी एक रिलेशन दिया है कि इफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपया वाला जितना नोट आपके पास है उससे गिनती में 10 ज्यादा है कौन, 10 रुपीज वाला, एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। तो दोनों नोट अलग अलग प्रकार का कितना है, डेनोमिनेशन वही कहता है, 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला। तो टोटल रुपया कितना आपके पास है, 1000, ठीक है। इसमें आपको क्या 10 रुपया वाला और क्या 5 रुपया वाला नोट, 10 रुपया वाला कितना है, 5 रुपया वाला कितना है, इसमें एक रिलेशन दिया क्या, 10 रुपी नोट इज 10 मोर देन 5 रुपीज नोट, यानी 5 रुपया वाला जितना नोट है, 5 रुपया वाला जितना नोट है उससे 10 ज्यादा 10 रुपया वाला नोट। तो 5 रुपया वाला नोट मान लो कितना है x, तो 10 रुपया वाला नोट कितना हो जाएगा, x प्लस 10, ये हो गया नंबर, ये क्या हो गया नंबर, यानी 10 रुपया वाला कितना नोट है आपके पास, x प्लस 10। मान लो कि 10 रुपया वाला तुम्हारे पास 4 नोट हो तो टोटल कितना रुपया होगा, 4 × 10। उसी प्रकार से 10 रुपया वाला यदि x प्लस 10 नोट है तो टोटल कितना रुपया हो गया, x प्लस 10 इंटू 10, यानी 10 इंटू एक्स प्लस 10। उसी प्रकार से 5 × x, ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वही कितना हो जाएगा, टोटल रुपया कितना है, 1000। अब बन जाएगा 10x प्लस 100 प्लस कितना 5x इज इक्वल टू कितना 1000, यानी 15x इज इक्वल टू कितना 900, x इज इक्वल टू कितना 60, कितना हो गया 900 है ना, हो जाएगा 600, ठीक है, 1000 ये कितना हो गया 100, 900 वो कितना हो गया 600। अब ये यदि 600 हो गया तो वो कितना हो जाएगा 15 का 600 कहां से होगा जी, कहीं घपला है क्या, 16 होगा, हाँ एक्स इज कितना हो गया 60, यानी ये आपके पास कितना है 5 रुपया वाला 60 नोट हो गया, तो 10 रुपया वाला कितना नोट हो गया 70 हो गया। अब इसको चेक करके देखो, 60, 5 रुपया वाला कितना नोट 60, तो टोटल कितना 5 6 जा कितना 300, और ये कितना हो गया 700, क्योंकि 10 रुपया वाला कितना नोट 70, टोटल मिला के नहीं हो गया 1000 हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, 3 क्वेश्चन आपको डाल दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट, सोनू हैज रुपीज 34, 50 पैसे एंड 20 पैसे क्वाइंस, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ इच काइंड डज ही हैव, ठीक। सेकेंड, देर आर 90 MCQ इन अ टेस्ट, सपोज यू गेट 2 मार्क्स फॉर इच करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू लीव अनअटेम्प्टेड और आंसर रॉन्गली 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर ऑफ योर करेक्ट आंसर, इफ यू गेट 60 मार्क्स इन टेस्ट देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू आंसर करेक्टली। थर्ड, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2490,
The sum of two numbers is 2490 if 6.5 of one number 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other. Find the number. ठीक है, यही तीन क्वेश्चन आपको हम बता दिए, तीन क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए. आंसर तो हम देंगे नहीं, आप बनाइएगा उसको चेक कीजिएगा, सही है तो सही है, गलत है तो फिर दोबारा, फिर तिबारा. ठीक, चलिए, जय माँ बंगला मुखी.